पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की आजादी में जिन्होंने अपना फ्री में पसीना तक नहीं बहाया वो भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से ही कुछ वीडियो सामने आए जिसको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए यूज किया जा रहा था, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए यूज किया जा रहा था। और देश के गद्दार ना जाने क्या क्या बातें राम भक्तों ने नहीं कही, पर अब राम भक्तों की नजर में सिर्फ मुसलमान ही देश के गद्दार नहीं, सबसे बड़े देश के गद्दार हैं तो वो है आपका सिख भाई। जी हाँ, ऐसा ही मामला इंदौर से हम लोगों के सामने आया है, जहां राम मंदिर निर्माण का पोस्टर बैनर जो है उनके रेस्टोरेंट पर लगा रखा था और उन्होंने उस बैनर को निकाल दिया, तो किस तरीके का नजारा सामने आया है इंदौर से, एक बार उस पर भी नजर डालिए। तो दोस्तों, ये रेस्टोरेंट जो कि बलजिंदर सिंह है उनका है, उनका सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने जो राम मंदिर निर्माण का चंदे वाला बैनर उनके रेस्टोरेंट पर लगा हुआ था उसे निकाल करके फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो हिंदूवादी संगठनों को इसकी खबर हुई, जिनसे उनकी भावनाएं आहत हो गई कि वो पोस्टर कैसे निकाल दिया गया। हमने तो राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए वो बैनर लगाया था, हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो चलो अपने दल बल के साथ एक रेस्टोरेंट को तबाह कर दो। और वो पहुंच भी गए, वीडियो में नजारा आपने देखा, और पूरा मामला मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूं। दरअसल इंदौर राम मंदिर निर्माण चंदे के लिए चंदा उगाही चल रही है,
जबरन मुस्लिम मोहल्लों में घुस करके, जहां एक भी गैर मुस्लिम घर नहीं है वहां पर भी रैली निकाली जा रही है, और मस्जिद के सामने तमाम ड्रामेबाजी राम भक्तों की चल रही है, और पुलिस मुखदर्शक बनी देखती रही वहां भी, और जो रेस्टोरेंट के पास हुआ है उसमें भी पुलिस पूरी तरीके से मुखदर्शक बनी रही। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का नारा आप वीडियो में सुन सकते हैं, एक बार फिर गूंज रहा है मेरे शहर इंदौर में। ये नारा लगाने दिल्ली दंगों के वक्त नारे लगाने वालों के भाई बंधु ही हैं, बस इस बार ये नारा किसी मुस्लिम के बजाय एक सिख भाई के लिए लगाया गया है। और उसकी गलती ये थी कि भवरकुआं थाना क्षेत्र के खंडवा रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर राम जन्मभूमि चंदा उगाही के पोस्टर को रेस्टोरेंट के मालिक ने हटा दिया, जिससे नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ का यह नजारा पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था और पुलिस मुखदर्शक बन तमाशा देख रही थी। जिस पुलिस के हाथ में कानून व्यवस्था की कमान होती है वही पुलिस गूरी गुंगी और बहरी बन गई, देखते रह गए, और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर कई रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसके बाद उज्जैन मंदसौर दोरान गांव दोपालपुर तहसील के चांदन खेड़ी में इन चंदा करने वाले तथा कथित राम भक्तों ने जमकर उत्पात भी मचाया और दंगा भी कराया, लेकिन उन मामलों में भी सख्त कार्रवाई पीड़ित मुसलमानों पर ही हुई है और घर भी मुसलमानों के ही तोड़े गए हैं। आज खंडवा रोड पर केसरी रेस्टोरेंट के मालिक सरदार बलविंदर सिंह के रेस्टोरेंट को मामूली विवाद के बाद फोड़ दिया गया और बची हुई कसर नगर निगम बुलवाकर आगे का गेट और उसका होर्डिंग तोड़ दिया गया। इस तरह की कार्रवाई से लोगों में दहशत का माहौल है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या दलित, सब दहशत में है। किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो किसी की दुकान। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये कह दिया कि कल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं है और जो तोड़ेगा उसे उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा, और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जो इस तरह पर कृत्य कर रहे हैं और समाज में दहशत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी वाली हरकत से सिख समाज में भी काफी रोष है और वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ये लोग पुलिस पर भी दबाव बना रहे हैं, वे पुलिस को से भी हुज्जत कर रहे हैं। पुलिस का डर जिनकी आंखों में नहीं है, सत्ता के नशे में चूर इन लोगों ने किस तरह दहशतगर्दी का माहौल मध्य प्रदेश में बना रखा है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। पर पहले सरदार जी की दुकान पर हुड़दंगियों ने दंगा करा, उनके रेस्टोरेंट को जमकर तोड़फोड़ की, और उसके बाद रही बची कुची कसर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पूरी कर दी। जहां हुड़दंगियों को जेल में डाल करके जेल की सलाखों के पीछे डालना था, वहां सरदार जी की दुकान का मेन गेट तोड़ करके, एक छज्जा तोड़ करके ये बताने की कोशिश की कि आपने राम मंदिर निर्माण का चंदे के लिए पोस्टर हटाया, हमने आपकी दुकान ही हटा दी। तो इसलिए हुड़दंगई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और भगवा ब्रिगेड सुधरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अब्बा सत्ता में हैं और सत्ता के नशे में चूर उनके अब्बा और उनकी औलादें सड़कों पर खुले आम उपद्रव मचा रही है, जिसके साफ तौर पर नजारे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।